हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। हम लोग बढ़िया है गाइस। यहाँ पे मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और आज आई मैं, आज संडे है और संडे को मैं हमेशा वॉकिंग करने आती हूँ सुबह सुबह, और कभी नहीं आ पाती हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो, और नहीं तो मैं संडे को आया करती हूँ गर्मी की सीज़न पर। और यहाँ पर जोगर्स पार्क ही आते हम लोग, और यहाँ पर मेरी बेटी, मेरा बेटा और मैं गाड़ी से आए थे, और मेरी बेटी और आशु पापा चल के आए थे नीचे शॉर्टकट रास्ते से। और यहाँ पे देखिए अभी सूर्योदय होने लग गया है, और यहाँ पे आशु पापा कर रहे हैं योगा, और मेरे बेटा भी कर रहा है, और मैं तो यहाँ पे, मैं यहाँ पे ना पूरा धूप वाला घास है, इसमें मतलब नंगे पैर चलने से बहुत अच्छा रहता है, सेहत के लिए अच्छा रहता है, सुबह सुबह चलना बहुत अच्छा रहता है, मतलब शाम को भी चल सकते हैं। और मैं तो अभी सुबह ही आई हूँ तो सुबह ही चल रही हूँ, शाम को भी आती हूँ मैं, मेरा बेटा का जो फुटबॉल रहता है आती हूँ। और यहाँ पे ना बोलते हैं डॉक्टर लोग घास पापा और मेरा बेटा भी जाएंगे, दोनों बाप बेटे। और यहाँ पे मेरा बेटा सुबह मेरे साथ आया था, मेरी बेटी बोली मम्मी अभी मैं जाती हूँ आपके साथ करके। और यहाँ पे अभी हम घर पे पहुँच गए, घर पे पहुँचने के बाद मैं तुरंत नाश्ता बनाने लग गई, और क्योंकि नाश्ता ना हमारा 8:30 मतलब 9 बजे तक रहता है संडे के दिन, और मतलब 8:30 9 बजे के बीच में हो जाता है, इसलिए मैं फटाफट में लेट से नाश्ता ना अच्छा नहीं रहता है, लेट नाश्ता नहीं करना चाहिए क्योंकि तबीयत वगैरह ख़राब हो सकती है। और तो गाइस मेरा नाश्ता बन गया है, और यहाँ पर मैंने बनाया है देखिए, और एप्पे बनाया, नारियल की चटनी बनाई, पुदीना की चटनी भी है, और यहाँ पर मैंने 3 पराठे बनाए हैं, 3 पराठे बनाए हैं और इतने एप्पे बनाए हैं। अभी ये हो गया 8:30 हो गए हैं, और अभी नाश्ता वगैरह बन गए हैं। तो गाइस अभी हम नाश्ता वगैरह करते हैं, और तो गाइस मेरे बेटा ने यहाँ पे गुस्सा हुआ है क्योंकि मैंने इसको गाड़ी में नहीं लेके आई थी, और मैं और मेरी बेटी आई थी गाड़ी से, इसको नहीं लेके आई, इसकी वजह से गुस्सा हो गया है। और पहले बोला था मैं नहीं आता करे, मैंने सुबह ऐसे ही बोला था, बाद में बोला मैं भी आना चाहता था पर आपने नहीं बोला, एक बार भी ऐसा बोल के गुस्सा हुआ है घर में आने के बाद। और यहाँ पर मैंने 4 टमाटर, 4 प्याज वर्क कर लिया अच्छे से छील के, प्याज को छील लिया मैंने अच्छे से वर्क कर दिया है, और अभी मैं नारियल को फ्राई करूँगी, और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा और मैंने लाइट नहीं जलाया है क्योंकि बाहर मैंने दरवाज़ा खोला है, गुजारा ही होता है। और सबसे पहले नारियल वगैरह फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर मैं प्याज को कट करूँगी। यहाँ पे मैंने तो कपड़े वगैरह धुले, और मौसम तो अभी यहाँ पे सुबह सुबह ना बारिश आने जैसा हो रहा था, अभी साफ हो गए हैं, यहाँ पर मैंने पूरा धो लिया था अच्छे से, और देखिए मौसम अभी बहुत सुहाना हो रहा है। और संडे के दिन सब कुछ लेट हो जाता है, और खाना बनाना भी लेट हो जाता है, नाश्ता भी लेट हो जाता है, और क्योंकि उस दिन छुट्टी रहता है तो हम लोग वॉकिंग वगैरह करने जाते हैं, और आराम से ही सब कुछ होता है, और इसके वजह से सब लेट हो जाता है। और यहाँ पे अभी बनाने लगे नारियल को ना, इतना ही भुनना पड़ता है, और नहीं तो ज़्यादा भुनने से ना काला हो जा रहा है नारियल, और इतना भुन के ना बहुत अच्छा कलर आता है। यहाँ पे मैं अभी इसको भी सारे मतलब प्याज टमाटर नारियल सब ग्राइंडर कर लूँगी, और देखिए इस तरह पतला पेस्ट बनाना रहता है, और इस पर भी मैं थोड़ा, इसमें ज़्यादा हो गया था निकाल के रख दिया, अभी मैं सारा डाल दूँगी, और चिकन भी अभी पक गया है मेरा आधा। तो गाइस मेरा अभी खाना पीना रेडी हो गया है, और आप लोग भी आइए और नारियल वाला चिकन का मज़ा लीजिए, और हम लोग भी खाते हैं, अभी टाइम हो गया है और 1:30 बज गया है अभी। और तो गाइस अभी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस अभी बज गए हैं 5, और यहाँ पे देखिए अभी तक भी इतनी धूप है, और अभी मैंने खरबूजा काटा है, और परसों दिन लेके आए थे हम मार्केट से, और अभी ना गर्मी के सीज़न में खरबूजा बहुत अच्छा लग रहा है। तरबूज लेके आए थे, तरबूज ना अभी अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब 2-3 बार तो हम लेके आए थे, अच्छा नहीं आया तरबूज,
इसकी वजह से अभी ज़्यादा खराब नहीं है ना, थोड़ा मीठा भी रहता है और टेस्ट भी लग रहा है। और यहाँ पे आज छुट्टी आस पापा की तो देखी, यहाँ पे अमरूद तोड़ने लगे हैं। 8-8 दिन में ना पक ही जाते हैं थोड़े थोड़े अमरूद, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकते हैं, थोड़े थोड़े पके रहते हैं वैसे निकालते हैं। मुझे ना ज़्यादा पके हुए अमरूद पसंद नहीं है, और ज़्यादा मतलब पके हुए खाने भी नहीं चाहिए, इतने ही अच्छे रहते हैं, बहुत टेस्टी भी रहते हैं और ये ज़्यादा अच्छे है सेहत के लिए। और देखिए इतने सारे अमरूद आए, लेकिन धूप से ना ये थोड़ा ये हो रखे हैं, लेकिन बहुत मीठे हैं अमरूद। तो गाइस अभी आए हम टेरेस पे और मेरी बेटी और मैं आए। हेलो गाइस, और मेरा बेटा अभी कराटे क्लास गया है। और आपको यहाँ का नज़ारा मैं जब भी छत में आती थी यहाँ का नज़ारा दिखाती थी, और आज किस तरह नज़ारा हो आपको दिखाऊंगी मैं। देखिए यहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, अभी सारा काट दिया है, मतलब ये जगह जिसकी जगह थी, मतलब जितने जगह खरीद के रखा था, अभी शायद यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह बन रही है। और यहाँ पे ना पूरा पहले काटा है, फिर कितने दिन बाद, 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद पूरा यहाँ पे और पूरा आग वगैरह लगाया उन्होंने, जितने भी झाड़ थे सब जला दिए हैं। और देखिए एकदम साफ हो गया, लेकिन अभी इसमें कम दिखा रही, बहुत बड़ी जगह है। और देखिए यहाँ पर अभी पूरा खाली खाली लग रहा है, दूर दूर तक घर है, आगे मतलब घर वगैरह सब है, बिल्डिंग वगैरह है, इतने जगह में नहीं है। और अभी ना पूरा खाली खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और हम लोग का जब से हम इधर आए ना, तब से हमको यहाँ पे मतलब पूरा जंगल जैसा दिखता था, और अभी एकदम से अचानक अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे अभी एकदम से मतलब अजीब सा ही लग रहा है, अभी छत में भी आने के पहले बहुत एकदम हरा भरा लगता था, और अभी एकदम से खाली खाली अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं खाना बनाने लग गई हूँ, और यहाँ पे मैं आज मैंने रोटी बना ली है, पहले मैंने रोटी बनाई थी, और अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पे ना ये ग्रीन वाला प्याज रहता है ना, उसका वो व्हाइट वाला वो हिस्सा रहता है, पीछे का हिस्सा रहता है, उसको निकाल के मैंने रखा था। और देखिए उसकी सब्जी बना रही मैं, और ये प्याज की सब्जी ना बहुत अच्छी बनती है, प्याज की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और तो थोड़ा इसको पकाऊंगी, तो गाइस मैं अभी सब्जी वगैरह बना लेती हूँ और रोटी तो बन गई है। बस मैंने 7 रोटी बनाए थे और चावल भी है दोपहर से, तो गाइस मैं सब्जी वगैरह बनाती हूँ। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया है, और अभी बज गए 9:30, और यहाँ पे मैं राजमा बना रही हूँ, और कल मैं राजमा बनाऊंगी। तो गाय वीडियो नहीं है तो करती, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।